सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, की हाल चाल ने तुहाडे। आई होप सारे ठीक ठाक होवोंगे। सो दोस्तों, पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल दा रिजल्ट जो ऑफिशियल वैबसाइट के उपर अपलोड हो चुका है जी, तो सारे ने सो लिस्टा ने जो कि कैटागरी वाइज वो चैक कर लेनिया होनी, ठीक है जी। तो जेकर लिस्ट के नाम नहीं है जी, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हुण डीमोटिवेट हो जाएंगे कि जो साड़ी है मेहनत मेहनत फल नहीं मिले, ठीक है जी, तो वो तैयारी छड्ड देणगे। तो ना इस वीडियो तुहानू दसांगा कि जो हुण जिन्हां दा रिजल्ट आया कि उन्हों का मैडिकल होगा या फिर मैडिकल तो बाद हूँ कोई लिस्ट आएगी या नहीं, सारी इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे हूँ। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने हो, तो तुम एंड एक इंपॉर्टेंट गल भी दस के जावगा जो कि तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट होएगी। सो वीडियो में आप स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये तुमने कट ऑफ देख ली होनी जी, ठीक है, मैं टैलीग्राम चैनल के उपर भी सेंड कर दी है अपने, ठीक है, जो कि है कॉन्सटेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडर की, ठीक है, अपने जिले के मुताबिक जो कि कट ऑफ रखी गई है ये रखी गई है जी। सो जनरल ओपन अनरिजर्वड वो कैटागरी वास्ते जो कि लड़कियों वास्ते कट ऑफ है जी 82.28 ते लड़कियों वास्ते कट ऑफ है 72.64। बट इत देखो बहुत बड़ा उल्ट फिर हो गया, जिहड़ी ये कट ऑफ है लड़कियों की, सो ये कट ऑफ रहनी चाहिए सी जी अपने लड़कियों की, ठीक है। तो देखो जेकर लड़कियों की इन्नी कट ऑफ चली गई तो संभाव्य जी गल है तो लड़कियों की जो कट ऑफ है वह ज़्यादा जानी सी। तो कहदे करके होया तो तुहानू ऑलरेडी पता ही है जो अपने पिछले एग्जाम से वो कैंसल हो गए, तो बहुत सारी भर्ती हाले पूर नहीं चढ़ सकियां, ठीक है। सो उन्हां करके कट ऑफ है जो सारे बच्चे इस इंक्लूड हो गए, तो उन्होंने पेपर देते तो कट ऑफ है जो हाई चली गई, ठीक है। सो बहुत बड़ा नुकसान हुआ इतने बहुत सारे बच्चों जिते कि कट ऑफ हाई जाने का, ठीक है। मैं सारी कैटागरी मुताबिक नहीं दसाँगा, तुम ऑलरेडी चैक कर ली होनी सारी साइड के उपर भी, तो तुम नोट्स भी चैक कर लिया होना, ठीक है जी। तो नैक्सट गल करदा मैं जो कि आर्मड काडर की है। हाँ जी, देखो दोस्तों, ये है आर्मड काडर की, ठीक है। इस दे विच भी मैं उवें कहांगा, देखो जो कि अन जनरल जो ओपन रिजर्व कैटागरी है, ठीक है। सो ये जो अपने कोल देखो कट ऑफ है, सो ये जेकर लड़कियों की कट ऑफ होंगी तो इस दे विच किन्ने बच्चे इंक्लूड हो जाने सी, ठीक है, तो उन्होंने खुशी हो जानी सी इस टाइम जिहड़े कि 75-75 नंबर लाए कि भी जो कि इस दे विच सिलेक्शन नहीं हो पाया जी। सो सब तो वध भी नुकसान है जो वो जनरल कैटागरी वाले नूं होया, ठीक है जी, क्योंकि मैरिट बहुत हाई चली गई जिस दे विच बहुत सारे बच्चों का नाम है जो लिस्ट विच नहीं आ सकिया, ठीक है। तो बाकी इस दे विच जो पहल दी गई है वो उम्र के हिसाब नाल ते एजुकेशन जिहड़ी अपनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उस हिसाब नाल ये रखी गई है, ठीक है। कई बार एको जे नंबर सब दे बन जाते हैं तो फिर उस हिसाब मुताबिक देखी जाती है वो, ठीक है। ये भी तुमने सारी कट ऑफ देख ली होनी दोस्तों, तो इस भी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कराँगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों डाउट से कि हुण मैडिकल तो बाद कोई लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं इतने दसना चाहना कि जे देखो जी लिस्ट हुण पाई गई है जनरल वी सी एस सी आर ओ एस सी एम बी, ठीक है, जिन्हें ई डबल्यू एस जिन्हें कैटेगरी ने, सो वो अपने को जो नोटिफिकेशन आई उसके मुताबिक जो पोस्टा से सो उन्हों मुताबिक सारे बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं जिड़ी कि पूरी पूरी पोस्टा से अपने को, ठीक है, 4358 के लगभग ये पोस्ट से अपने को जी कि सारी फिल कर लिया होने इन्होंने, मतलब ये समझो कि ये फाइनल लिस्ट से, इस तो बाद हूँ कोई अपने को लिस्ट की अपडेट नहीं रह जाती, ठीक है, क्योंकि हूँ इन्होंने ही बच्चों का मैडिकल लिया जाएगा तो मैडिकल तो बाद ही सीधा इन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो हूँ ये कोई भी बच्चा बाहर नहीं हो सकता क्योंकि जिन्नी भी पोस्टा से उसके मुताबिक ही इन्होंने रिजल्ट दिता है, तो तुम जाके भी वेख सकते हो जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया से उसके मुताबिक कैटागरी वाइज किन्नी पोस्टा से, तो हूँ इसके मुताबिक किन्ने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, सारी ही उम्र मुताबिक इन्होंने कट ऑफ दी है, ठीक है। तो हूँ तुम बेचिंत हो जाओ क्योंकि जिन्हें हूँ नाम आ चुके हैं सो उन्होंने हूँ तो हूँ ज्वाइनिंग दिता जाएगा, ठीक है जी। सो उन्होंने लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है हूँ, सो उन्होंने बाद कोई कट ऑफ जारी नहीं करी जाएगी, ठीक है जी। सो उन्हों का बस डिस्ट्रिक्ट मुताबिक या फिर जिड़ी कि देगी वो सेंटर उसके मुताबिक मैडिकल तो बाद रिपोर्टा लैके सो इन्हों ज्वाइनिंग करा दिता जाएगा। तो हूँ मैं गल करता दोस्तों 2022 का विजन की होएगा, देखो अपने को जो भी वोटा आ जाएगी जी, वोटों तो बाद कोई भी सरकार बनती है तो तुम्हें की करना, देखो जो धरने अपन हूँ लगाए थी वो धरने काम करेंगे अपने वोटों तो बाद, ठीक है जी। जो अपनी पोस्टा बाकी सी, ठीक है, रद्द हो चुकिया सी, उन्होंने अपना भर्ती सिरे चढ़वाना है, जेकर 5 साल हो जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ओवरेज हो जाएंगे जी, तैयारी छड़ जाएंगे, ठीक है। तो उत्थे आप मंग करनी है भी जो भर्ती ने अपने विचाले अड़ गई सी उन्होंने पूरी करवाइए, ठीक है जी। तो नाल ही नाल जी होमगार्ड की भर्ती आप कह रहे थे इस साल का मुश्किल है, हुण तां देखो है ना, क्योंकि अज देखो जो चोणां दा ऐलान अज हो जाएगा लगभग अज या कल, तो आप करिए भी जो जो 5000 कह रहे थे भी वह भर्ती कढ़ी जाए, ठीक है जी। जो बच्चे की उम्र है भी वो उम्र तो पहला पहला भर्ती है जो कंप्लीट हो सके, नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है जी। तो मैं सारे यही कह जाऊँगा दोस्तों कि जिन्हों का नाम लिस्ट में नहीं आया तो घबरा होना, बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि अपने को होर भी बहुत सारी पोस्टा पईया ने, हाले को अपने को एफ सी आई वॉचमैन की पोस्ट पई है, अपने को पी पी एस सी इंस्पैक्टर सोसायटी की जो पोस्ट आई सी वो अपने को पोस्टा पक्की पईया ने जी, ठीक है। एक हाल फिलहाल एक पोस्ट आई सी ई एस आई सी की, ठीक है, कारपोरेशन वाली, वो अपने को पोस्ट आई जिस कलर्क की पोस्ट है, इस एम टी एस की पोस्ट है, बहुत वधिया पोस्ट है भी,
ठीक है जी, इसकी भी तैयारी करो, पंजाब रीजन की पोस्ट है, ठीक है, तो इसकी मैं जानकारी तुम्हें देती थी पहले ही। तो दोस्तों अपने को पोस्टा बाकी ने, सो बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि लगभग जिन्होंने देखो अज तक पहुँचे हैं, आप पेपर दिता पहला ने अपना, उस बाद लिस्ट नाम भी आया अपने, ठीक है जी, फिजिकल भी देने गए, सो बहुत बड़ा अपने को मौका मिले सी, अपने अपने को भागी समझो आपने आपू, क्योंकि होर बच्चों के बच्चों निकल के आप देखो इतक पहुँचे से, ठीक है जी, बट यदा कट ऑफ ज़्यादा चली गई, यद अपने तुरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि तुमने पेपर भी क्लीयर किया, देखो पहला तो है ना पढ़ के, उस तो बाद कितक पहुँचे हो, तो घबराओ ना दोस्तों, सो अपने को पोस्टा बाकी ने, तो तुम इन्हें तैयारी करो दब के, सो जिन्होंने मेहनत की उसका फल जरूर मिलेगा जी, ठीक है, सो तैयारी करते रहो। तो मैं यही दोस्तों कहना सी, बिल्कुल ना टेंशन लवो जी, ठीक है, तो एक अच नहीं तो कल थोड़ा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जे तक अज तक आई सी तो अगे भी तुम्हें रब जरूर लैके जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो तो अगे बढ़ो, क्योंकि हूँ जो लिस्ट पै गई तो पै गई है, तो आप हूँ एवं बैठे रहेंगे वह कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी, तो यही जानकारी देनी सी इस वीडियो के, सो जेकर वीडियो वधिया लगी है प्लीज़ वीडियो में वो लाइक करो जी, तो चैनल पर नवें जुड़े हो तो चैनल सबसक्राइब कर लियो, तो जो तुम्हें तुम देखो जो मैं पोस्टा दसिया ने इसकी तुम साढ़े जुड़ के प्रिपरेशन कर सको, तो इसकी तैयारी तुम्हें ऑलरेडी स्टार्ट करा रखी है मैंने, ठीक है, चैनल के उपर। तो दोस्तों होर नवी वीडियो की अपडेट लिए चैनल जुड़े रहो, एवं चैनल पैर देंदे रहो, मिलते हैं नैक्सट टाइम नैक्सट वीडियो के, तद लिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।